किसान एक बार फिर उग्र हो गए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान फिर सड़कों पर उतर आए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने तहलका मचा दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर अभी जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उसे देखकर ये तो साफ हो गया है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है। इस सब के बीच ये समझना जरूरी है, आखिर इन किसानों की सरकार से क्या मांगे हैं। किसानों की पहली मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को लेकर है। क्या होता है MSP और किसान इसकी मांग क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वो दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ये किसानों की उत्पादन लागत से कम डेढ़ गुना ज्यादा होती है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। किसान को अपनी फसल की MSP के तहत निर्धारित कीमत मिलती है, चाहे बाजार में दाम जो हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी फसल की MSP 50 रुपए निर्धारित है लेकिन बाजार में उसकी कीमत 40 रुपए है, तभी भी सरकार इस फसल को किसानों से 50 रुपए में ही खरीदेगी। इसके अलावा किसान चाहते हैं कि साल 2021-22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द किया जाए और जिन किसानों की पिछले आंदोलन में मौत हुई थी उनके परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। दिल्ली कूच करने वाले किसान नेताओं की इस बार सरकार से मांग है कि वह सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करें। 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन देने की मांग भी शामिल है। कृषि व दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। किसान नेता किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार से किसान कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास समेत सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसानों की जिन मांगों को सरकार ने नवंबर 2021 में मान लिया था, किसान उन्हीं मांगों को दोहरा रहे हैं। उस समय सरकार ने किसानों से कई वादे किए थे लेकिन एक बार आंदोलन खत्म होने के बाद जब किसानों की मांगें पूरी करने की बारी आई तो टालमटोल का दौर शुरू हो गया। MSP को कानूनी दर्जा देने की किसानों की मांग पर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि किसान सरकार की पहल से संतुष्ट नहीं है और ना ही सहमत है। तभी एक बार फिर उनको उसी मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है जिसे मानने का वादा सरकार ने 2 साल पहले किया था।